गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप सो आप लोग का पेपर अच्छे से गया होगा एंड आई होप सो आपने ये दो चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मैं बहुत सारे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत उतने तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया है डाउट सेशन में, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने ही डाउट्स मेरे से पूछे हैं। इसकी दो बातें होती है, या तो आप पढ़ रहे हो या तो आप नहीं पढ़ रहे हो। खैर, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है, और फिर भी आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो आप डाउट नहीं पूछ सकते, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर की अगर मैं बात करूँ, 26 का जो होगा आंसर होगा, क्वेश्चन क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज। तो देखिए, रेडियस उसने दिया हुआ है ए नॉट आर वन, तो आर फोर कितना हो जाएगा, आर फोर क्योंकि सेम एटम है या हाइड्रोजन एटम है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी वन हो जाएगा, तो ए नॉट इंटू फोर कितने के लिए, फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर का स्क्वायर दस नथिंग बट 16 a0। आर फोर की वैल्यू मेरी किसके बराबर हो रही है, 16 a0 के बराबर हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला क्या यूज कर, आर एन बराबर आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट अगर आप एन इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू वन पुट करते हो, आर वन की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, आर नॉट के, और आर नॉट उसने कितने के बराबर दिया हुआ, ए नॉट के बराबर दिया, देखो उसने ऑलरेडी दिया हुआ ए नॉट, तो r नॉट इज नथिंग बट a नॉट, तो r फोर बराबर कितना, a नॉट इनटू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, तो z स्क्वायर ऑलरेडी वन होगा मेरा, तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, r फोर मेरा 16 a नॉट आता है। नाउ d ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, l लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। नाउ अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक काम करिए, फार्मूला अप्लाई करो, mv rn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो mv की वैल्यू जो होगी nh अपॉन 2 पाई rn, 2 pi rn। ठीक है, तो lambda is equal to nothing but h upon 2 pi। अब mv की ये वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, into nh into nh 2 pi nh mv नीचे और ऊपर क्या चला जाएगा 2 pi। अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा ना उसने, उसने मेरे से क्या पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, mv rn, और लेट्स से rn का यहां पे nh को मैं ऐसे लिख सकता हूं, rn फॉर 2 pi 16 a0, कितना हो जाएगा 16 a0, तो nh बराबर हो जाएगा 32 pi a0, ये मेरा mv की वैल्यू हो जाएगी, तो सेम वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां पे, तो 32 nh इधर आएगा अपॉन 32 पाई ए नॉट। ठीक है, एच एच कैंसल, तो ये मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आती है मेरे हिसाब से एन एच अपॉन 2 पाई एन एच अपॉन 2 पाई एन एच अपॉन 2 पाई आ रहा है, तो 32 पाई एन एम बी की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एम बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे एन एच अपॉन 32 पाई ए नॉट, 32 पाई ए नॉट nh upon 32 pi a naught, 32 pi a naught 0.07 मेरे हिसाब से mv equal to अच्छा देखो यहाँ पे गलती मैंने क्या की, mvrn equal to nh upon 2 pi है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, 4h, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 upon 8 pi a naught, तो छोटी सी गलती हो गई ना मेरे से भी, n की वैल्यू तो मैंने पुट ही नहीं की क्योंकि n तो 4 है मेरे लिए, अब कुछ नहीं आसान है, lambda is equal to h upon mv, तो h upon mv की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, h upon 8 pi a naught, तो this cancel, 8 pi a naught will be your answer, 8 pi a naught will be your आंसर। ओके, यहां से मेरा पहला क्वेश्चन करता हूं, ऑप्शन डी करेक्ट है मेरा, ना क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, देखो रेडियस जो है, रेडियस मैंने निकाला 16 a0 था मेरा, r4 का रेडियस, फिर मैंने mvr n बटा h अपॉन 2 पाई किया, mvr mv को मैं क्या लिख सकता हूं, nh अपॉन 2 पाई 16 a0, और n की
की वैल्यू क्योंकि मेरी 4 है तो यहां से 4 आ जाएगा तो h / 8 pi a not md की वैल्यू आएगी तो लैम्डा इज इक्वल टू h / md डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है md की वैल्यू पुट करें तो आंसर आपको क्या आएगा 8 pi a not आ जाएगा ठीक है। सेकंड को इन एनी सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन देखो अगर मैं सिर्फ ऑर्बिटल की बात करता था तो ऑर्बिटल का ये जो आई थिंक ये जो मेरे साथ डायरेक्ट फार्मूला है ये जो हो जाता 2l plus 1 क्या हो जाएगा 2l plus 1 ये मेरे हिसाब से डायरेक्ट फार्मूला है 2l plus 1 का ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर मतलब बेसिकली क्या बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर का कहने मतलब सिंपल सी भाषा में ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही पूछा जा रहा है। जैसे मैं बोलूंगा तो भाई आपने सेम स्पिन भरा है मतलब सेम स्पिन आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन कितने भरे जितने आपके पास ऑर्बिटल होंगे तो ये और कुछ नहीं नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही पूछ रहा है इसने। उसने क्या पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही पूछा इसका मतलब ही वही है। 28 का आंसर क्या होगा और 28 देखो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी बी आंसर आएगा ऑप्शन बी। बी में क्या दिया हुआ सी ऑप्शन दिया हुआ सी कर दिया ये वाला कर रहेगा तो ये जो सी जो है ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है ठीक है। 29 की बात करो 29 है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ मेटल सरफेस विद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी म्यू 1 एंड म्यू 2 ठीक है। 28 समझ में आया बिकॉज़ वेलोसिटी और n का कर्व पूछा था डायरेक्ट मैंने दे दिया इसमें कोई बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ मेटल सरफेस विद दिस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी म्यू 1 एंड म्यू 2 मान एक मेटल सरफेस है दो रे गिरी है एक रे म्यू 1 की और एक रे म्यू 2 की है मेटल तब भी मेरा क्या है सेम है ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 पहले से निकला काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकला KE1 का और दूसरे से जो निकला KE2 का निकला KE2 का निकला ठीक है और बोल रहा तो और वो दोनों रेशियो है जो काइनेटिक एनर्जी दोनों का निकल रहा है KE1 / KE2 2:1 दिया हुआ है दैट द प्रेशर ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट ऑफ द मैटर। तो देखो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाना चाहूं तो h म्यू 1 बराबर क्या होगा h म्यू नॉट प्लस KE1 ठीक है। तो क्या KE1 को मैं लिख सकता हूं h क्या KE1 को मैं लिख सकता हूं h म्यू 1 माइनस h म्यू नॉट उसी तरीके से KE2 भी मैं इसी तरीके से इक्वेशन बनेगा h म्यू 2 माइनस h म्यू नॉट दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूं डिवाइड कर देना तो KE1:KE2 कितना रेशियो 2:1 का रेशियो है इनमें से h h h क्या है कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो μ1 माइनस μ0 बराबर होगा μ2 माइनस μ0 तो ये क्या हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई तो 2μ2 माइनस 2μ0 इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 माइनस μ0 तो ये इधर आ जाएगा तो 2μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जो ऑप्शन आ रहा है ये कौन सा ऑप्शन आएगा ओके तो दिस वाज ऑप्शन सी सी इज करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन क्या होगा सी इज करेक्ट आंसर सी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 द मेजर सक्सेस ऑफ बोर थ्योरी वाज इन एक्सप्लेनिंग ऑब्वियस बात है कि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कलर बताया था ओके तो 30 का आंसर क्या रहेगा सी रहेगा मेरे हिसाब से 30 का आंसर क्या रहेगा सी ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 30 का आंसर रहेगा आपका सी 31 ठीक है। देखो अब आप सोचोगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट ये कोई तक था नहीं ऑप्शन बी द रेडिएशन ऑर्बिट्स आर एडजस्टेड ये रेडिएशन लेस ऑर्बिट्स आर एडजस्टेड ये मतलब रेडिएशन लेस मतलब एनर्जी लेस ऑर्बिट्स आर एडजस्टेड ये भी गलत बात है। ऑप्शन 4 देखो व्हाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ शुड बी डिटरमाइंड बाय ऑर्बिट क्वांटम नंबर ये भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया ये किसने एक्सप्लेन किया था लिब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था इज इट क्लियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 ठीक है। नाउ 31 मैच द फॉलोइंग बोल रहा है पी क्यू आर एस तो 31 में उसने क्या पूछा है 31 में क्या बोल रहा है पहला लिस्ट में फोटोन है फोटोन पी है देखो पी क्या फोटोन है फोटोन के बारे में क्या क्या सही है कि दोनों नेचर शो करता है देखो पहला लिस्ट टू में देखो शुरू से समझा रहा लिस्ट वन में पहला ऑप्शन आपका फोटोन है। अब ये फोटोन की कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है लिस्ट टू में देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है द वैल्यू फोर फॉर एन सेल जैसे मैं कहने के एल
एम एन, तो ये एन इक्वल टू वन हुआ, एन इक्वल टू टू हुआ, एन इक्वल टू थ्री हुआ, एन इक्वल टू फोर। ये स्टेटमेंट सही है कि एन इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट मतलब एन शेल होता है, बट ये फोटोन के लिए वैलिड नहीं है। ऑप्शन टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये भी वैलिड नहीं है। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू नॉट कांट प्रेडिक्ट, ठीक है। लेकिन ऑप्शन फोर एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन सही है पी के लिए। क्यों? तो फोटोन किस नेचर का होता है? ड्यूअल नेचर का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में भी ऑप्शन फोर होगा, पहले तीन तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब आर की बात आती है, साइज स्क्वायर। एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, ये तो करेक्ट है, टू होगा इसमें लिए। एक और ऑप्शन होगा थ्री, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव, तो टू और थ्री करेक्ट आंसर है। फोर्थ देखो, एस, एस क्वार्टर नंबर क्या होगा? एस का पहला ऑप्शन तो सही है, वन। वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो वन क्या वैल्यू ऑफ फॉर एन शेल, एन शेल मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एस सही है। और दूसरा क्या हो सकता है? एस हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन आपका जो होगा ए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 32 की अगर मैं बात करता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। देखो और 32 में ए की बात करूं तो 1s2 2s1 2p1, तो ये पॉसिबल नहीं है ना बेटा। ग्राउंड स्टेट मतलब ये होगा कि 1s2 2s2 होना चाहिए, 2p0, तो ये ग्राउंड स्टेट है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप चला है, क्योंकि इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में चला। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखो, 1s2 2s2 2p1, या ये ग्राउंड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल है, ये फुलफिल, इसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो कोई एक्साइटमेंट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस बात है 32 का आंसर बी होगा, ठीक है। नाउ बाकी दो ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। 33 में आता है, हंट्स रूल इज नॉट फॉलोड, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 प्लस Cl ऑल हैविंग फोर्स। देखो Fe का 26 होता है, Mn प्लस का होता है 25 और क्रोमियम का होता है 24। इसका ओरिजिनल में जो होता है 4s2 3d 4 होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए, बट होता किस तरीके 4s1 3d 5। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाती है? इसमें जो आएगी n की वैल्यू आती है 6 आती है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n(n+2)। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था, और इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा? दैट इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जिस एलिमेंट इन तीनों में जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे या बराबर होंगे, तो बराबर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो चलो देख लेते हैं, इनिशियली 4s2 3d6 होता है इसका। लेकिन अगर Fe+2 की बात करूं, Fe+2 की बात करूं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? s से जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल 4s होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा, तो 3d6, 3d6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? देखो 3d6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, मतलब 4, n इक्वल टू 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे Fe+2 में। उसी तरीके से इसका कितना होगा? 4s2 3d5, लेकिन इसमें क्या होगा? 4s2 3d5 इनिशियली सिर्फ Mn का, Mn का क्या होगा? 4s2 3d5, लेकिन Mn+1 की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, इसका मतलब इसके भी n इक्वल टू क्या होगा? 6। तो Fe Mn और Cr का क्या होगा? Mn+2 Mn+ और Cr का बराबर होगा और Fe का सबसे कम होगा। Mn+2 होगा,
गड़बड़ी इस तरीके से बेटा Mn प्लस टू Fe प्लस टू नहीं तो एक्चुअल में इसका आंसर ये आना चाहिए ठीक है, क्योंकि ये आपको बोनस दिया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत गलत दिया होगा ठीक है। ऑप्शन डी होना चाहिए, बट अगर ये इस तरफ आता था तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं सही नहीं है, ए बी सी डी चारों में से गलत दिए हुए आंसर ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से तो वही होगा सी आर 24 राइट, ये आंसर करेक्ट है इसका जो चारों ऑप्शन में मैच नहीं करता ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, थॉमसन वाज कन्विंस्ड दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एविडेंस दैट, कौन सा एविडेंस होगा, चार्ज टू द मास रेशियो वाज सेम फॉर द ऑल मटेरियल, इसी से एविडेंस है। और दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन वाज अट्रैक्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज, ये भी गलत है, कैथोड रे मूव थ्रू मैग्नेट ये भी गलत है, चार्ज वाज 1.6 × 10⁻¹⁹ ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू किसने बताया था, चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू मिलिकन ने बताया था ठीक है। तो 34 का ये ऑप्शन करेक्ट है, 34 का ए इज करेक्ट आंसर ठीक है। नाउ 35, बोर मॉडल ऑफ एटम डिस्क्राइब द एनर्जी स्टेट विद द वन क्वांटम नंबर, देखिए द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल यूजेस हाउ मेनी क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब, आसान है ऑब्वियस बात है, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उसकी एनर्जी एनीथिंग बताने के लिए कितने नंबर का यूज करते हैं, चार क्वांटम का नंबर का यूज करते हैं, तो 35 का सी आंसर होगा ठीक है, 35 का सी। 36 मैच द कॉलम ठीक आ गए, 36 सर अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है PQRS ठीक है, PQRS ठीक है, और लिस्ट टू में नंबर आपको दिया है। चलो पहला P क्या बोल रहा है, पहला P ये बोल रहा है कि एक मिनट मोबाइल का प्रॉब्लम है, ओके पहला पी ये बोल रहा है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन एनर्जी लेवल, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन ऑफ एन एनर्जी लेवल ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और देखो वैल्यूज ऑफ एन किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता, ऑब्वियस बात है एल की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, एन, क्योंकि एन के आपको पता होगा एल की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 टू एन माइनस 1, तो इसका पी का ऑप्शन क्या होगा 4 एन, क्योंकि द वैल्यू द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन फॉर एन एनर्जी लेवल ये कौन डिसाइड करता है, एन ही डिसाइड करता है ठीक है। नाउ सेकंड इज ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, और लिस्ट वन में क्यू का देखो, क्यू का स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, तो ये जो होना चाहिए 0, 1, 2, अगर L की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L की वैल्यू 0 होने का मतलब S ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर, L इक्वल टू 1 ऑर्बिटल मतलब हमें P ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर, 2 का मतलब D, ऑप्शन 1 होगा, लिस्ट 1 में 1 ऑप्शन चाहिए। 36 का 3 में क्या, 36 में R में देखो कि द वैल्यूज ऑफ M कहां से कहां लाई करती है, माइनस L टू प्लस L, तो मतलब ये जो चाहेगा R की वैल्यू जाएगी द वैल्यूज ऑफ m एक्चुअली द नंबर ऑफ m वैल्यूज, द नंबर ऑफ m वैल्यूज, द नंबर ऑफ m वैल्यूज का मतलब ऐसा भी हो सकता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे डिनोट होता है 2l + 1 से, मतलब 3 ऑप्शन इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा ठीक है। द नंबर ऑफ m वैल्यूज मुझे कैसे पता चले कि m वैल्यूज कितनी है, तो 2l प्लस 1 सिंपल था, अगर l की वैल्यू 0 मतलब एक m की वैल्यू होगी दैट्स 0, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी 3, क्योंकि 2l प्लस 1 मतलब 2 × 1 + 1 तो इसमें कितने m की वैल्यूज मिलेगी, 3 m की वैल्यूज, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, r का ऑप्शन 3 होगा।
the actual value of m for a particular type, so that's nothing but actual value of m of a particular type of orbital, so minus l to plus l, so that's option 2 last. तो ये हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, वेरी इजी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस z स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर. क्यों, क्योंकि देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये ग्राफ बनेगा आपको. ठीक है, इस तरीके से उसने किया. ठीक है, नाउ ठीक है, देखो z स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करेगा, z हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करेगा, लेकिन ये माइनस में होने की वजह से e आप क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा. ठीक है, इसलिए ग्राफ इस तरीके से आ रहा है. 38 नंबर, इफ n एंड l आर द प्रिंसिपल अजीमथल क्वांटम नंबर देन द एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द, दैट्स वेरी इजी, दैट्स नथिंग बट l की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेकर n माइनस 1, 2 into 2l plus 1, ये फार्मूला जाता है मेरा नंबर कनेक्टिंग का. ठीक है, ये मैंने आपको कराया हुआ भी है. देखो 39 थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, x ऊपर वाला होगा x, तो ये 3d को रिप्रेजेंट कर रहा और y 3s को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है x की एनर्जी ज्यादा होगी y से, तो दैट्स नथिंग बट ऑप्शन b, 39 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 40 सेम एनर्जी नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर चला गया इस ऑर्बिटल में तो ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल नहीं है. जब तक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मान लो थर्ड सेल में एनर्जी है ही नहीं, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p तक है, तो 3s 3p 3d आपके लिए क्या हो जाएगा, डीजनरेटेड ऑर्बिटल हो जाएगा. ठीक है, नाउ 40 तो भैया समझो, व्हिच आर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसके वो बी सी डी ऑप्शन में समझ जाएगा कि वो गलत है कि सही है, लेकिन ऑप्शन ए क्यों सही है. देखो 3 2 1, 3 से 2, पहला क्या है 3 से 2 है, दूसरा है 4 से 2 है, और एच का है 5 से 2. अब देखो इनके बीच में लास्ट ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, बाल्मर सीरीज में, तो मतलब n इक्वल टू 2p जा रहा है. इनिशियल कहाँ से कर, एक बार 3 से कर, एक बार 4 से कर, एक बार 5 से कर, ऐसा समझो. n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5. ठीक है, n इक्वल टू 5 और ये एक यहाँ पे जंप कर रहा है, एक ऐसे जंप कर रहा है और एक ऐसे जंप कर रहा है. ऑब्वियस बात है ये एनर्जी गैप क्या है, सबसे कम है. एनर्जी गैप जितना कम होता है मतलब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो वेवलेंथ इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर 542 का सबसे कम होगा, जो कि करेक्ट आंसर दिया हुआ है. ठीक है, और तो 40 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलो बी सी डी में देख लेते क्या गलती है. लाइमन लिमिट, बाल्मर लिमिट, पास्चल लिमिट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब समझो लाइमन लिमिट, बाल्मर लिमिट और पास्चल लिमिट इन द, तो ऑब्वियस बात है पास्चल, बाल्मर और लाइमन, लाइमन का यूवी रेस, बाल्मर का विजिबल रे और पास्चल का इंफ्रारेड रेस. इंफ्रारेड रेस की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद विजिबल उससे कम होता है, यूवी रेस उससे कम होता है. ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है कि इनका आपको किस तरीके से डील करना है. ठीक है, आपको याद होगा तो ऊपर सबसे पहले वेवलेंथ में रेडियो वेव्स, उसके बाद कौन सा आता है माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड आता है, उसके बाद विजिबल आता है, उसके बाद ही हम यूवी रेस को. देखो इसलिए ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है, पास्चल का सबसे ज्यादा, हालांकि पास्चल पहले होता था, फिर बाल्मर होता था, फिर लाइमर होता था, तो ये आंसर सही होता था. सी डी में आप देख सकते हो ऑब्वियस से बात है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है सबसे, क्या बोलते हैं, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसने उल्टा फॉर्म में दिया हुआ. ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन 40 का आंसर ये होगा. तो कॉस्मिक रे सबसे ज्यादा थे, उसके बाद गामा होता है, उसके बाद एक्स रे, ये हमने पहले भी किया हुआ. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं. आज क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ रेडिएशन विद वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ 200 नैनोमीटर हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन 400 नैनो. ऑब्वियस सी बात है, आपको उसे समझे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर इसका कम वैल्यू है तो उसका ऑब्वियस वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 41 का. ठीक है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 400 नैनोमीटर से ये वैल्यू ज्यादा ही रहेगी. ठीक है, 42 अगेन मेरा मैथ्स का कॉलम है.
42 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फिर से अगेन मैं पी क्यू आर एस लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस। तो जब बोला पहला पी को स्टेटमेंट कर रहा है सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द गोल्ड फॉयल, ये उसने ऑब्जर्व किया था, उसका कंक्लूजन क्या निकला था, सिंपल सा बात ये था कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज क्वाइट हैवी, तो पी का मैं क्या लिख सकता हूं, 2। तभी तो पता चला कि भाई जरूर कुछ अंदर में एक हैवी होगा, तभी तो डिफ्लेक्ट बैक हो चुका है। ठीक है, नाउ सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, इसका मतलब क्या था, देयर इज पॉजिटिव चार्ज विद इन द बॉडी, तो क्यू का मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है सबने कर दिया होगा। मोस्ट ऑफ अल्फा पड़ेगा पास थ्रू द अंडर वर्बल, देयर इज अ सफिशिएंट ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 हो जाएगा। रेस का क्या है, द नंबर ऑफ अल्फा पड़ेगा डिफ्लेक्टेड बैक बाय वाज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये था कि पॉजिटिवली एस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, 3। 43 नंबर देखो क्या है, 43 नंबर, आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर After the following electron pairs, the identity the present in degenerated orbital, ठीक है? Okay, 43 में A में क्या दिया हुआ, देखो A का दिया हुआ 3d, अब minus 2 है तो मतलब minus 2 minus 1 0, मतलब कुछ इस तरीके से होता है, minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2, तो ये कौन सा होता है, dxy होता है, तो दिस इज नथिंग बट dxy, और 3 टू m माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, dyz, तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ, d 3dyz, तो पहला ही ऑप्शन से मुझे पता चल रहा है कि दोनों सेम ही ऑर्बिटल है, मतलब दे आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 44 बाकी सब चीज चेक करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। Probability distribution curve for the 2s electron. Probability distribution curve मेरा क्या होता था 1s के लिए? 1s के लिए मेरा एक होता था पहाड़ी, 2s के लिए मेरा क्या होता था? दो पहाड़ी होता था, याद है? ये पहाड़ इंक्रीज होता जाता है, R max याद होगा? For same value of L, R max increases. R max की value क्या हो जाती थी? इंक्रीज होती जाती थी। ठीक है, देखो Rmax की वैल्यू और भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो Rmax की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन मेरा क्या आंसर होगा, ऑप्शन मेरा सी आंसर होगा, करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 45 में क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी वही ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कुछ नहीं है, आसान है। R2 मेरा कितना हो जाएगा, n² a₀ n² मतलब 4a₀ हो जाएगा। ठीक है, और उसने क्या बोला है, mv rn is equal to nh upon 2 pi, r2 कर दूं मैं यहां पे और यहां पे 2 कर देता हूं, यहां पे 2 कर देता हूं फॉर द सेकंड ऑर्बिट, हां 2h upon 2 pi, तो v बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी v बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं nh upon 2 पाई rn, nh upon 2 पाई rn कर देता हूं, mvrn बराबर क्या होगा, nh upon 2 पाई, तो v बराबर vn बराबर क्या होगा, nh upon 2 पाई rn, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा half mv square, तो half into m v square मेरा क्या हो जाएगा, n square h square by 4 पाई square into rn, मतलब rn r2 की वैल्यू मैंने निकाली कितनी, r2 हो जाएगा यहां पे, R2 हो जाएगा 16a₀² तो राइट नाउ ये जो आंसर हो जाएगा m 4 पाई, अच्छा सॉरी नीचे m भी मल्टीप्लाई होगा, माय मिस्टेक, तो नीचे m मल्टीप्लाई होगा, दिस और दिस एंड दिस एंड क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n² h² बाय 64 16 64 128 आ रहा है ये, तो n की वैल्यू कितनी रखी है मैंने 4, this और this 16, n की वैल्यू 4 पुट कर दी मैंने क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, इसलिए मैंने लास्ट में n की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो
ये हो जाएगा 16 टाइम्स 16 32, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय 32 पाई स्क्वायर a नॉट स्क्वायर, ठीक है 32। ठीक है मेरा हिसाब से 45 का आंसर सी आ जाएगा। तो यहां से फिर से समझा देता हूं, Rn की वैल्यू मैंने कितनी निकाली n स्क्वायर a नॉट, ठीक है n स्क्वायर a नॉट की वैल्यू निकाली तो 4 a नॉट हो जाएगा। ठीक है यहां से मैंने क्या किया, वेलोसिटी का फार्मूला निकाला mv n nh / 2 पाई rn, rn की वैल्यू मैंने पुट कर दी और m नीचे आ जाएगा, सॉरी m और r नीचे आ जाएगा तो 2 पाई nh / 2 पाई rn, nh / 2 पाई rn काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मुझे पता half mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर मैंने यहां पे पुट किया, दैट इज बाकी सब कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है आई होप सो यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। ठीक है नाउ नेक्स्ट टर्म आता है हमारा, ठीक है फिर भी आपको लगता है मैं मेरे को लगता है कि शायद आप फंस जाओगे, एक बार और समझा देता हूं। मैंने rn के वैल्यू निकाले, rn के वैल्यू 4 a नॉट आएंगे, n स्क्वायर r नॉट बराबर rn बराबर होता r नॉट n स्क्वायर / z स्क्वायर, z तो मेरा 1 है, n की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 2 पुट करी, सेकंड बार ऑर्बिट के निकाला तो 4 a नॉट मेरा r की वैल्यू है और मुझे पता है mvr इक्वल टू nh / 2 पाई, तो यहां से वेलोसिटी हो जाएगा nh / 2 पाई mr, 2 पाई mr। ठीक है तो ये वेलोसिटी वैल्यू पुट करता हूं तो m और r क्या हो जाएगा मेरे यहां पे स्टिल कैंसिल हो जाएगा, अच्छा m आएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन में, हाँ सॉरी m यहाँ पे आएगा क्योंकि ये m स्क्वायर होगा ना तो एक m एक m कैंसिल होगा तो यहाँ पे m आएगा, तो my mistake, तो this is your answer। ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कैंसिल कर दो तो कैंसिल होता है, बार बचा कुछ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है नाउ 46 आंसर देख लेते हैं बेटा, 46 में क्या बोला था, लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ इलिमिनेट्स, ठीक है कुछ नहीं सेम मेटल है, एक बार लैम्डा लैम्डा वेवलेंथ का कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बोल रहा है कि मान लो सेम मेटल में अगर लैम्डा / 3 का मैं स्ट्राइक करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको बताना इस मेटल का फाई कितना होगा, तो कुछ नहीं बहुत आसान है, Hc / लैम्डा जब हो रहा है तो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन डायरेक्ट पुट किया तो Hc / लैम्डा / 3 is equal to क्या होगा, अगेन फाइव मेटल तो सेम है भले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी चेंज होगी, तो 3hc / लैम्डा is equal to 5 plus 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc / लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 plus 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 into 5 plus 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 5 plus 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दैट्स नथिंग बट 3 5 plus 3 ev is equal to 5 plus 4 ev, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 बराबर कितना हो जाएगा 1 ev। ठीक है तो पाई वाले ए बी भी तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ठीक है हाँ तो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज ई बी, तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ई बी मतलब दैट समथिंग बट 0.5 ई बी। ठीक है तो ये आपका हुआ किसका 46 का आंसर। ठीक है 47 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं है ये तो और भी आसान दिया, काइनेटिक एनर्जी भैया आपको सामने वाला कितना दिया ऑलरेडी 13.6 z स्क्वायर / n स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी उसने पूछा है कि -x स्क्वायर z स्क्वायर / n स्क्वायर, x की वैल्यू पूछे मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीजें हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं फॉर्मूला है, तो -2 * काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 13.6 z स्क्वायर / n स्क्वायर, तो मतलब -27.2 z स्क्वायर / n स्क्वायर, तो x की वैल्यू सिर्फ क्या होगी 27.2। ठीक है नाउ अगेन 48 नंबर वेरी इजी, ठीक है कुछ नहीं बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने पूछा बाकी कहानी सब कुछ मतलब नहीं है, उसने डायरेक्ट उसने क्या दिया वेलोसिटी दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने ऑलरेडी कितना दिया हुआ 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन में फिर भी पढ़ते हैं, द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज बाय डी ब्रोगली led to the discovery of electron microscope often used for the highly magnified image of biological molecule and other type of molecule। देखो ड्यूअल मैटर किसके द्वारा दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा, और इसके और जब वो नेचर ये सजेस्ट कर रहा था तो उसने एक एक डिवाइस का एक्सपेरिमेंट किया
जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और वो बायोलॉजिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को देखने के लिए पर्पस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या बोला, अगर उस अगर इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं वो 1.6 10^-1.6 मीटर पर सेकंड है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा पिकोमीटर में, तो h/mv मतलब 6.6 10^-34, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आसान था, 9.1 10^-31, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज करना था, 1.6 10^6। तो ये बेसिकली ये जो आंसर आता है आपका 455 picometer, 455 10^-12 meter, मतलब ये आएगा 455 picometer। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, तो आपको इनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वाले ही मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ ठीक है, नाउ 49 नंबर तो देखो भैया बहुत ही आसान है, मेरे को लगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के दिया। गोल्फ बॉल का मास दिया हुआ 40 ग्राम, तो उसको कन्वर्ट कर दो 40 × 10^-3 केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और स्पीड दिया हुआ आपको कितना 45 मीटर पर सेकंड, तो डेल्टा भी उसने कितना बोला है कि स्पीड का जो एक्यूरेसी होगा 2% होगा, मतलब 2% 2% ऑफ 50 45 मतलब 0.9। मुझे पता है उसने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो मतलब फाइजंबल अनसर्टेनिटी फॉर्मूला क्या होता है, m into delta v into delta x is equal to h upon 4 pi, तो डेल्टा x बराबर कितना हो गया h upon 4 pi m delta v, तो 6.6 10^-34 upon 4 into 3.14 into मास उसने कितना दिया 40 × 10^-3 एंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0.9। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 1.46 के बराबर आती है, 1.46 into 10^-33, तो W की वैल्यू हो जाएगी 1.46। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा हाईली था बट बिलियन में क्वेश्चन बहुत आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विविध भारतीय स्टेशन हैज अ फ्रीक्वेंसी इज इतना, तो वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा बराबर क्या होगा c / 3 * 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 1368 * 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 क्यों, क्या बेटा, क्योंकि ये किलो हर्ट्ज था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आता है 219.3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे जेई के क्वेश्चन थे जो मेंस लेवल के थे, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के तो नहीं थे पर क्वेश्चन आसान थे। अगर फिर भी बेटा अगर आपको लगता है कि आप किसी क्वेश्चन से अनसैटिस्फाइड रहे, कि आपको लगता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पाया या आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, इन केस क्योंकि मैंने तो अच्छे लेवल पे समझाया है क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी अगर आपको नहीं समझ, प्लीज 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 आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते मेरे से समझ सकते हो। प्लीज डाउट को आप अनक्लियर मत रखिए, उसका एनी हाउ आज क्या क्लियर करके खत्म करिए। तो आज की तरफ से हमारा सेशन